हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th इंट्रेंस एग्ज़ाम साइंस का और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एडमिट कार्ड कब आएगा, और बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे ना, 2-4 दिन से 5 दिन से जो है वो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आज जो है और कुछ देर पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पर जो है वो एजुकेशन अपने साइट पर एडमिट कार्ड जो है वो अनाउंस कर दिया है, ठीक है, क्लास 11th के लिए और डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम जो होता है वो कंबाइंड होता है, तो इन दोनों का एडमिट कार्ड जो है वो एक ही है और एक ही एग्ज़ाम होगा। तो वो एडमिट कार्ड जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल साइट पर, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का साइट है, उस पर रिलीज़ कर दिया है बच्चों, ठीक है। तो मैं अभी, बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बना देते हैं ताकि उन लोगों को हेल्प हो जाए, आप सभी बच्चों को हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारा जो है मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल साइट पर चले जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है, ये साइट है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एडमिशन सेक्शन में, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये एडमिट कार्ड फॉर द सेशन 2021-22, इस पर जाकर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आपका दूसरा इंटरफेस खुल जाएगा और इसको खोलने के बाद आपका ये वाला पोर्शन खुल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये वाला पोर्शन आप लोगों का जैसे ही खुलेगा, आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि क्या चूज़ करना है, फैकल्टी चूज़ करना है भाई, कौन सी फैकल्टी है। तो आप लोगों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल या पॉलिटेक्निक, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेलेक्ट कोर्स। तो कोर्स में देखो बच्चों क्या दिया गया है, सीनियर सेकेंडरी है ना, साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यहाँ पर दिया हुआ, ऊपर से यहाँ पर दिया हुआ है कि ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स। तो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स का भी आ चुका है, ठीक है। तो जो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के लिए अप्लाई किए हैं भाई बच्चे जो, तो वो कॉमर्स का एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और बाकी जो बच्चे साइंस के हैं या डिप्लोमा इंजीनियरिंग का उन्होंने फॉर्म फिल किया है तो उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अपना जो आपने फॉर्म सबमिट किया था उसमें आप लोगों को फॉर्म के ऊपर में एप्लीकेशन नंबर दिया गया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे, जैसे कि मैं डालकर यहाँ पर देख दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, ओके बच्चे। चलिए देखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड करेंगे, तो फिर वो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है, ठीक है बच्चे। और ये यहाँ पर हमारा एडमिट कार्ड अब डाउनलोड हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं भाई। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, वो एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, देख लीजिए, ये जो है हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया। आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। वैसे वहाँ से हमने अभी किया तो वो डाउनलोड हो गया, ठीक है। और ये हम सेव कर लेंगे पीडीएफ को, ओके, चलिए वो सेव कर लें, ठीक है, पहले से ये डाउनलोड हो गया था। चलिए बच्चे, तो हम लोगों ने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लिया, और आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, ऐसा नहीं कि सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो हो जाएगा, आप लोग यहाँ से प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दीजिए अच्छे से। आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है और जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसको रिविज़न करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों का, 26 में एग्ज़ाम है, और आप लोग रिवीजन करें अच्छे तरीके से। सभी बच्चों को एजुकेशन अड्डा टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और रिजल्ट लाएंगे।